सो इस वीडियो में आप जानेंगे कि वो कौन सा एक रीज़न है जो एक बेसिक रीज़न रहता है जिस रीज़न की वजह से आपका यूएसए का वीज़ा रिजेक्ट होता है। दोस्तों मेरे पास काफ़ी सारी फाइलें आती हैं और मुझे पता नहीं क्यों आज ये लगा कि इस बात को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि इनकेस इफ यू आर अप्लाइंग फॉर द यूएस वीज़ा सो यू शुड नो अबाउट इट कि वो क्या एक मेजर रीज़न रहता है जिस रीज़न की वजह से आपका यूएसए का वीज़ा रिजेक्ट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। visaservice.com में आपका सिचुएशन विच वॉज गोइंग अराउंड दिस कैन नॉट ट्रैवल टू यूएस वीजा फ्रॉम जयपुर जिनके पास ऑलरेडी वीजा है बिटवीन इंडिया एंड यूएई। इस इंफॉर्मेशन इज यूजफुल फॉर यू विद द यूएई गवर्नमेंट। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि नाउ इट इज पॉसिबल। वांट टू नो मोर, वॉच द वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सब आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। मैं हूँ अभिषेक शर्मा और डेली वीजा सर्विस डॉट कॉम में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। तो दोस्तों जिस प्रकार मैंने शुरू में बताया था कि आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि वो कौन सा एक मेजर रीज़न है, वो जो एक मेन प्राइमरी रीज़न रहा है, क्योंकि दोस्तों काफ़ी सारी फाइलें आती हैं एंड आई थिंक दैट आई नीड टू शेयर विद यू दिस थिंग। सी, एक मेरा दोस्त कहता था, बहुत ही पहले की बात है, दैट कॉमन सेंस इज़ क्वाइट अनकॉमन। जो कॉमन सेंस है ना वो काफ़ी अनकॉमन है हमारे जनरली लोगों में जो देखा गया है। सो गाइस, क्या होता है कि जो मेजर रीज़न आप सोचोगे कि वो क्या एक मेजर रीज़न रहता है जिस वजह से ये एक मेजर रीज़न इसलिए है क्योंकि इस रीज़न की वजह से काफ़ी सारी फाइलें मैंने देखा है जिस रीज़न की वजह से रिजेक्ट होती हैं एंड दैट रीज़न इज दैट वी कॉम्प्लिकेट थिंग्स। यस, जी हाँ दोस्तों, मैं इसका आपको फॉर एग्जांपल एक थोड़ा सा एक एग्जांपल देकर बताऊंगा। लिटरली हमारे पास एक हमारे सब्सक्राइबर का फ़ोन आया दैट शी इज़ अ गवर्नमेंट सर्वेंट, राइट। तो उन्होंने अपने भांजे या भतीजे घर पे जो कि यूएसए में रहता है उनके घर ट्रैवल करना था। तो उन्होंने क्या हुआ, उनको किसी और उनके एजेंट ने या किसी ने उनको कहा कि आप एक काम करो, आप अभी रिटायर होने वाले हो तो उससे पहले ही आप अभी अपना वीज़ा अप्लाई कर दो। एंड उन्होंने क्या करा कि और उन्होंने मेंशन भी नहीं करा कि वो अपने भांजे या भतीजे के साथ मिलने जा रहे हैं और उन्होंने विदाउट हर स्पाउस और विदाउट हर हस्बैंड उन्होंने अपना वीज़ा अप्लाई कर दिया। सो आई थिंक दैट वाज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड थिंग, राइट। उन्होंने सिंपल से अपना, उनकी रिटायरमेंट थी, उन्होंने अपने भांजे या भतीजे घर पे अपनी छुट्टियां के लिए जाना था, बट क्योंकि किसी ने उनको ये गलत एडवाइस दी देन दिस मैटर इज़ अ बिट कॉम्प्लिकेटेड। और उनसे यही सवाल पूछा गया कि आप अकेले क्यों जा रहे हैं, आप वहाँ पर क्या करेंगे, एंड दैट हैज़ रियली क्रिएटेड द कन्फ्यूजन द आईज ऑफ द वीज़ा ऑफिसर। सो दिस इज़ द मेन रीज़न व्हाट आई से, डू नॉट कॉम्प्लिकेट थिंग्स। हम चीज़ों को जितना आसान जितना सरल रखने की कोशिश करेंगे और बहुत ज़रूरी है कि आप अपने चीज़ों को जितना सिंप्लीफाइड रखें, जितना आसान रखें, तो उस वे में आपके लिए अपने आप को एक्सप्लेन करना वीज़ा ऑफिसर को और किसी की बातों में ना आए। जो भी आपका मेन रीज़न है, जो भी आपका प्राइमरी रीज़न है, हो सकता है आप वहाँ पर किसी बिजनेस कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हो या फिर आप अपने किसी रिलेटिव को मिलने जा रहे हो, तो आपका जो भी एक मेन कंसर्न है वो आप बिल्कुल सिंपल रखें। इस टॉपिक को लेकर हमने काफ़ी सारी और भी वीडियोज़ बनाई हैं सर, तो आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ चेक आउट ऑल दोज वीडियोज़। तो आप इंटरनेट को यूज़ करें, उसका प्रॉपर इस्तेमाल करें सो दैट यू डोंट लूज होप। एंड तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।